गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। अभी सुबह के 7:45 बज गया है और आज भी मुझे एग्जैक्टली कल की तरह जल्दी उठना पड़ा, बिकॉज आज पेपर नंबर 2 है, जिसकी वजह से बैकवर्ड कैलकुलेशंस करके मुझे 7:45 को ही उठना था ताकि मैं जिम जाकर अच्छे से खाकर मेरा पेपर ठीक से दे पाऊँ। इसीलिए आपने देखा मैंने ऑलरेडी कपड़े वपड़े बदल लिए हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले ही मैंने ब्रश कर लिया, वहाँ पर अंडे रख दिए और उठते उठते एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई। मैं यहाँ पर मस्त आराम से लेटा था, मेरी नींद थोड़ी सी खुल गई थी और मैं अलार्म बजने के लिए रुका था ताकि मैं ऑफिशियली बेड से निकल सकूँ, पर तभी मेरा जो पैर है वो इस पर्दे को ऐसे नीचे की तरह उसने खींच लिया, जिसकी वजह से ये पूरा पर्दा धाड़ करके ऐसे सुबह सुबह मेरे ऊपर गिर गया और उससे मैं अचानक से ऐसे उठ गया। और फिर मैंने टाइम देखा और रियलाइज़ हुआ कि अलार्म 1 मिनट में एनीवेज बज जाता, सो ये फिक्स करना पड़ेगा। पर उससे पहले थोड़ा सा हाइड्रेट कर देते हैं एंड लेट्स गो ईट ब्रेकफास्ट। और नील को चाहिए थे 40 ग्राम ओट्स, इसीलिए उसके लिए बना के रख देते हैं ताकि टाइम थोड़ा सा सेव होगा। थैंक यू नील। एंड द रीज़न कि मैंने नील को ब्रेड लाने के लिए बोला इज बिकॉज मैं सुबह सुबह उठ गया और मैंने किचन में देखा कि ब्रेड ही ख़त्म हो गया है। दोनों ने बस एक गलती कर ली, वो और थोड़ा सा छोटा चाहिए था तो थोड़ा फोकस और टाइम लगेगा पर हो जाएगा। तो फाइनल ब्रेकफास्ट 2 पूरे अंडे, 2 टोस्ट, 1 स्लाइस के ऊपर ये चॉकलेट प्रोटीन पीनट बटर। कल ईशान के घर पे जब हमने उसके गन के साथ वो सब ट्राई किया था तब नील को एक शोल्डर का वो चाहिए था कुछ। सो रेज योर हैंड। तो यहाँ पर ऐसा एक पॉइंट होता है, रेज इट स्ट्रेट अप इन द एयर, ऐसा किधर तो पॉइंट रहता है जहाँ पर शोल्डर इम्पिंजमेंट को रिलीज किया जाता है। ये मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में 2 साल पहले देखा था। तो आज के पुश वर्कआउट के पहले थोड़ा सा रिलीज और रिलीफ। अभी हमें एक और जंग को पिकअप करना है, रिलीव विदाउट यू। पर आज सच्ची में कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है। कल हम जिम को, व्हाट टाइम डिड वी रीच नील? 8:45 हम जिम पहुंचे थे एंड लेग्स था इसीलिए सब कुछ मतलब हो गया, बट आज 9 बज गया है। जिम में भी वेट धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आज वो एंड में केबल मशीन भी लगेगी फॉर ट्राइसेप्स एंड केबल फ्लाइज। और कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि ईशान भी हम दोनों के साथ इवॉल्व आ रहा है एंड दैट इज़ बिकॉज इवॉल्व में ऐसे आई थिंक लास्ट वीक एक वीकली पास या कुछ चल रहा था तो आप अपने दोस्तों को भी लेकर आ सकते थे। सो वी गॉट ईशान विद अस। ये यूजुअली कोरिंथियंस क्लब के जिम में ट्रेन करता है अकेले अकेले, इसीलिए हमने बोला कम ट्रेन विद अस। हाउ आर योर लेग्स फीलिंग ईशान? लेग्स आर ओके ब्रो, माय एब्स आर फायर। तूने एब्स भी किए कल? हैंगिंग लेग रेजेस एंड देन द क्रंचेस। Too good bro, I've been waiting for 30 so almost 2 weeks now. So पहले सेट में मेरे 9 reps गए, नहीं 8 गए या 9 गए? 8 गए, 9th वाला जाने वाला था, इसने रिकॉर्डिंग छोड़ दी, बट एनी वेज रैप नहीं गया, सो इट्स ओके। अभी सेकेंड सेट मैं सेम वेट अटेम्प्ट करूंगा। द गोल इज़ टू गेट द सेकेंड सेट ऑल्सो विद 8 रैप्स ताकि मैं तीसरे सेट में भी सेम वेट यूज़ कर पाऊंगा। अगर 8 नहीं जाते तो अगले सेट में जस्ट टू बी सेफ मैं 30s के साथ करूंगा। Yeah.
10 10 गए। बस एक ही चीज हुई अभी लास्ट सेट करते वक्त, डंबल रखते वक्त हल्दी है क्या? हल्दी होगी ना? इज दैट हल्दी? ब्रो बट ये हल्दी कुकिंग वाली है, उसमें इम्प्योरिटीज एंड शिट आता है। इट्स ओके, लेट्स जस्ट आई सेड वीडियो खाई का भेजो। हां ओके, वर्कआउट कंप्लीट। इन द एंड मुझे दो बार वापस वॉशरूम जाके ये धोना पड़ा और एक और बैंडेड लगाना पड़ा जो मुझे प्रशांत सर ने दिया। प्रशांत सर अगर आप ये देख रहे हो, थैंक यू सो मच। ओवरऑल बहुत अच्छा वर्कआउट था एज ऑलवेज। आई एम वेरी प्राउड ऑफ नील एंड ईशान, स्पेशली ईशान बिकॉज ये फाइनली हमारे जैसे ट्रेन करना है एंड दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। वेरी लॉन्ग टाइम, यू आर वेलकम। नाउ नील बहुत टाइम से चाहते थे ईशान हमारे साथ आके ट्रेन करे, पर 11:09 थोड़ा सा लेट है, मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। शुड बी फाइन दो, सेकंड पेपर ना, टेंशन थोड़ा कम है। दीदी ब्रेड चाहिए, ब्रेड ले लो। थैंक यू। चलो चलो चलो, नील 11:45 11:50 डोर। ओके, सी यू, बाय नील। आई वांट यू टू मीट मी एट 11:49 लेकिन एंड 58 सेकंड्स। अबे चुप। तू क्या खाएगा? पीनट बटर सैंडविचेस ब्रो। और कुछ? प्रोटीन शेक, चिकन सैंडविच। आई हैव अ प्रोटीन चिकन सैंडविच। एग्स खाए तूने? आई माइट Eggs I can have at home bro. Chicken I don't have at home. ठीक है, अभी बना लेता हूँ। पर बहुत basic होगा। That's fine bro. नमस्ते आंटी। नमस्ते। इधर हमारा पूरा efficiently काम चल रहा है। ये मेरे लिए BCAA, ईशान ने हम दोनों के लिए चिकन ऑलरेडी श्रेड किया। उसके सैंडविच में वो चीज डाल रहा है। हम बटन ऑन करना भूल गए। हाँ चिकन सैंडविच का चिकन, हाँ ब्रेड मे टाका चाहती असर कर दो। और ईशान के लिए 1.5 स्कूप हुए बेरी फ्लेवर्ड मसाला। हाँ पेरी पेरी मसाला, तिखट असतो, थोड़ा सा तिखट असतो। यू हैव बटर क्या?
बटर आ गया बटर गार्लिक बटर है और रेगुलर भी गार्लिक विल टेस्ट गुड अच्छा सैंडविच करून एकदा दे ना व्यवस्थित मला पाहिजे आता हवं आता नको संध्याकाळी करून देतो टू मोर पीनट बटर सैंडविचेस वो बंद किया हां बंद है पॉकेट क्या खाया नहीं अच्छा खाया नहीं अभी तक स्कूल वाइब ना अरे टिफिन यार गो टू द अदर फ्रेंड क्लास कल मैं भी ऐसे ही टिफिन के साथ संगी हो गया रोटी हमने 50 ग्राम रोटी स्टॉक चाहिए ब्रेड ब्रो पार्टी वो हेल्दी है बेरी फ्लेवर्ड ब्रो इट्स टू गुड हां रिमाइंड मी ऑफ पैडल पॉप आइसक्रीम रख ले हमें ना मिस्टर बीस्ट वीडियो है व्हाट सस्ता मिस्टर बीस्ट प्रोटीन बीस्ट फिटनेस मिस्टर बीस्ट 12 बज गए नो आईडिया कि ये ट्रक ड्राइवर्स कैसे चलाते हैं Must be so difficult, na? I swear. अंदाज आना वो सब. Exactly. But the experience, na? Yeah, but ऐसे tricky situation में. Imagine if this is his first day, bro. बेचारा. Good job, good job. और सब लोग इतने patient थे. That's why I got थोड़ा happy. Otherwise, public horn बजाते रह दिया. पहुँच गए 2 मिनट में. ये फायदा है. ईशान बहुत पास में रहता. चिंजा. चलो paper number 2. Paper की login link मिल गई है. Physics theory paper 2. ये select करूँगा. Webcam की testing etc. होगी. You guys go in the room. Bye bye. Nishan, ये आवाज करेगी? जिंजो? नहीं ना? Okay. Okay, paper खत्म. ये वाला आज का theory paper 2 quantum mechanics के ऊपर था. और सच बताओ तो काफी time consuming था. I think 10 मिनट ही बचे थे. पर we submitted it on time और commutators के topic पे I think 10 MCQs थे जो बहुत ही मुश्किल थे वो सॉल्व नहीं हो पाया बट बाकी का ओवरऑल पेपर अच्छा था वैसे 60 टोटल MCQs है एटलीस्ट 50 अटेम्प्ट करनी पड़ते हैं सो हो गया नाउ टाइम टू मूव ऑन टू पेपर नंबर 3 चलो ईशान कल मिलते हैं बाय पर यार ये जो वुंड है जो भी ये काफी आई थिंक स्प्रेड हो रही है इसीलिए मैं इसको एक और बार एक एंटीसेप्टिक की मदद से पूरी तरह से सैनिटाइज करूंगा और इसके ऊपर बैंडेड या कुछ लगाऊंगा बिकॉज आई डोंट थिंक इसको हवे से ऐसे एक्सपोज रखना चाहिए और द रीजन कि मुझे बार बार ऐसे ईशान के घर पे जाना पड़ रहा है इज़ बिकॉज यहाँ पर मम्मी का ऑफिस का वर्क रहता है और मम्मी के बहुत सारे कॉल्स रहते हैं और नील के घर पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला उसके बाथरूम के टाइल्स का कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से पेपर देने के लिए सबसे नियरेस्ट लोकेशन ईशान का ही घर है वो मेरे घर से 2-3 मिनट दूर ही रहता है सो दैट्स गुड और यार इसी के साथ आज का ये छोटा सा व्लॉग खत्म होता है अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हो मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में और अगले हफ्ते बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली है जिनके बारे में मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियोज़ में ऑब्वियसली बताऊँगा टेक केयर हैव अ गुड डे गाइज बाय बाय